हेलो दोस्तों, मैं हूं तब्रेज। आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑलराउंडर HLF वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से इस बार इंटर में एग्जाम देंगे उसके लिए मैं हिंदी का 50 अंक का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको कुछ बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, हिंदी का, जो भी इस बार इंटर में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले यार, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का दबा दो, ठीक है भाई। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप बिहार बोर्ड वाले मतलब हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला वीडियो नहीं, तो आप मेरे वीडियो मेरे चैनल में जाओ, उसमें आप वीडियो देख लो। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ यार बिना टाइम गवाए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना फाइल जो बना के रखा हूँ, अपने जो टाइपिंग करके रखा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ ऊपर में मैंने लिख दिया है बिहार बोर्ड 12th इंटर हिंदी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2020 के लिए दोस्तों, जो 2020 में एग्जाम देंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, नंबर ए 1946 ईस्वी में, नंबर बी 1916 ईस्वी में, नंबर सी 1964 ईस्वी में, नंबर डी 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा नंबर ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर ए, ठीक है, 1946 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा में देखो लिखा आ रहा है दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों नंबर ए में है वाराणसी, नंबर बी में है इलाहाबाद, नंबर सी में है जौनपुर, नंबर डी में है जनकपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा नंबर सी, जौनपुर, ठीक है। तो चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में लिखा आ रहा है आपको, पथिक मिलन और स्वप्न किसकी रचना है? तो दोस्तों नंबर ए में श्री राम नरेश त्रिपाठी, नंबर बी में है रश खान, नंबर सी में कबीर दास, नंबर डी में सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको होगा नंबर ए, श्री राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो चलो चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों चौथा में जो लिखा आ रहा आपको, कविता कौमुदी के कवि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर डी। तो यहाँ देख सकते हैं, नंबर ए में है रहीम, नंबर बी में है कबीर, नंबर सी में है तुलसीदास, नंबर डी में है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर आपको नंबर डी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। आप इसको कॉपी में भी लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको याद कर सको। ठीक है, नंबर पाँच में देखो, पाँचवें क्वेश्चन में लिखा आ रहा है दोस्तों, जीवन संदेश कविता किसकी रचना है? तो नंबर ए में है त्रिपाठी, नंबर बी में है रहीम, नंबर सी में है रश खान, नंबर डी में है तुलसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको होगा नंबर ए, त्रिपाठी, ठीक है। तो चलो दोस्तों छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन में लिखा रहा है, श्री त्रिपाठी ने उत्तर भारत के लिए कैसा साहित्य सर्वप्रथम संकलन एवं संपादन किया? तो दोस्तों इसका नंबर ए में है लोक श्रुतियां, नंबर बी में है लोक साहित्य, नंबर सी में है लोक गीत, नंबर डी में प्रेम सामग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको होगा नंबर बी, लोक साहित्य, ठीक है। तो चलो सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन में आपको लिखा रहा, देख सकते हैं, राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश किस पुस्तक से ली गई है? तो दोस्तों नंबर ए में है पथिक, नंबर बी में है मिलन, नंबर सी में स्वप्न है, नंबर डी में कविता कौमुदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर ए, पथिक, ठीक है। तो चलो आठवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आठवीं क्वेश्चन में आपको लिखा रहा, देख सकते हैं, बुरा ना मानो एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए, तुमने निज जीवन में इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ए में है रहीम, नंबर बी में है कबीर, नंबर सी में है तुलसी, नंबर डी में है त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर डी, त्रिपाठी, ठीक है। तो चलो नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नौवें क्वेश्चन में आपको लिखा रहा दोस्तों, कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा? तो नंबर ए में है खड़ी बोली, नंबर बी में ब्रजभाषा, नंबर सी में मैथिली, नंबर डी में है मगही। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर ए, खड़ी बोली, ठीक है। तो चलो दसवीं क्वेश्चन देख लेते। तो दसवीं क्वेश्चन में आपको लिखा रहा दोस्तों, कवि राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्यों में किस क्रांति के संदेश सामने आता है? तो दोस्तों नंबर ए में है फ्रांसीसी क्रांति, नंबर बी में हिंसक क्रांति, नंबर सी में अहिंसक क्रांति, नंबर डी में औद्योगिक क्रांति। दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर सी, अहिंसक क्रांति, ठीक है। तो चलो ग्यारहवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ग्यारहवीं क्वेश्चन में आपको लिखा रहा, जग में शोभा का संचार कौन करता है? तो नंबर ए में है पाउडर, नंबर बी में है रवि, नंबर सी में है फूल, नंबर डी में है स्नान। तो इसका सही आंसर आपको होगा नंबर बी, रवि, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, इसमें आप याद कर लो, कॉपी में इसको नोट करके आप याद करो, आपको अच्छा रहेगा। तो नंबर बारहवीं क्वेश्चन में लिखा रहा, मनुष्य का जन्म किस प्रकार का हुआ? तो नंबर ए में है बल सहित, नंबर बी में है बुद्धि सहित, नंबर डी में है मूर्खता सहित, नंबर डी में बुद्धि बल विकसित। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर डी, ठीक है, बुद्धि बल विकसित। तो नंबर तेरहवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों तेरहवां क्वेश्चन में आपको लिखा रहा,
तुम्हारा जन्म कैसा है, तो नंबर ए में है उद्देश्य रहित, नंबर बी में है स्वदेशीय, नंबर सी में है पता नहीं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर बी स्वदेशीय। ठीक है, तो चलो चौदहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चौदहवें क्वेश्चन में आपको लिखा रहा है, किसका दिया अन्न और नीर हम खाते पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ए में है पिता माता का, नंबर बी में है परिवार का, नंबर सी में है धरती का, नंबर डी में भगवान का। दोस्तों आपको इसको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नंबर सी धरती का। ठीक है, नंबर 15 में देखो लिखा रहा दोस्तों, धरती किसके समान है। तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर ए माता का समांतुल। ठीक है, समांतुल है। तो दोस्तों मैंने आपको यार हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, जो भी इंटर में इस बार एग्जाम देंगे 2020 में बिहार बोर्ड के लिए। तो दोस्तों मैं और भी वीडियो, इसका तीसरा वीडियो भी पार्ट लाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस यही। जय हिंद।